कैसे उत्तराखंड के छोटे से गांव से चलकर दिल्ली के बड़े शहर में आकर एक बड़ा नाम कमाना और पूरे विश्व में जो है देश के लोगों को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, कैसे मुकाम हासिल किया एक युवा ने, आज हम यही सब आपको दिखाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड नैनडांडा ब्लॉक खालू डांडा क्षेत्र के रहने वाले संजीव रावत जी की, जिन्होंने पूरी जीवन में पढ़ाई जो है अपनी सारी की सारी गाँव से करी, उसके बाद दिल्ली में आकर यहाँ पर कैसे भी करके छोटी सी नौकरी करी, उसके बाद किस तरीके से जीवन में आगे बढ़े और आज जो है पूरे देश के युवाओं को विश्व की लगभग 50 कंट्री की भाषा सिखा रहे हैं और रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यही सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हेलो संजीव जी, स्वागत है आपके आपका पहाड़ों के हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इट्स माय प्लेजर आल्सो टू मीट यू। सेम हियर। और ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि आई एम आल्सो फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर। आप जो है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से जो है निकलकर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के आज इतने लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और प्राउड होता है मुझे जब मैं कहता हूँ कि आप उस कंट्री की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरे पहाड़ से आकर ये बंदा वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है और आप उस कॉलेज में उस इंस्टीट्यूट में जाके जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, और काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रहे थे क्योंकि आप हमारे क्षेत्र से आते हैं और कई लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया। आपकी ये जो जर्नी है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जब मैंने सुना गांव के स्कूल से पढ़ा, 12th तक की पढ़ाई आपने वहीं से करी है, किल्वो खाल से है जितना मैं सुना है, किल्वो खाल से आपने पढ़ाई करी जी। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि एक गांव के स्कूल से पढ़ के, और शायद गांव में तो उस समय ABCD मुझे जितना पता है कि नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लोगों को सिखा रहे हैं, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? जी, छठी से तो हमने इंग्लिश हमने पढ़ी है जी एज ए सब्जेक्ट। ओके। एंड उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा रही है वो खालू डांडा में मेरी हुई जी। 11वीं मेरी अंदरूली में हुई, 12वीं किल्वो खाल में हुई। इसके बाद जैसे हर उत्तराखंडी का संघर्ष होता है ना शहरों में आके, तो संघर्ष मेरा भी रहा जी। और सबसे जो चैलेंज रहा अपने प्रोफेशनल जीवन में वो लैंग्वेज का रहा, स्पेशली इंग्लिश का। तो जब छोटी मोटी जैसे हम जॉब करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करके फिर हम धीरे धीरे कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हैं, तो एक तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ तक कॉर्पोरेट तक पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर की, भाई जो अगर आप कहीं भी काम करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकें। तो देन हमने प्लान किया कि हम कोई लैंग्वेज का स्कूल स्टार्ट करें, फॉरन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें, एंड दिस वॉज द आइडिया टू स्टार्ट फॉरन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। तो ऑलमोस्ट 2012 से हमारे ये जर्नी रही है। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया इंग्लिश से एंड फ्रेंच, एंड आज हम मोर देन 50+ फॉरेन लैंग्वेजेस में लोगों को ट्रेन करते हैं। एंड हमारे पास जो भी लैंग्वेज जो हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमारा जो है वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, मतलब हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज वो वर्ल्ड वाइड वैलिड होते हैं। तो ये हमारी जर्नी किसी ने मतलब क्योंकि ये बिल्कुल हटके डोमेन है, अगर मैं उत्तराखंड के लोगों की बात करूँ तो ज़्यादातर लोग चाहे IT इंडस्ट्री, चाहे होटल इंडस्ट्री, चाहे आर्मी में, अलग अलग जगह जो है कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट डोमेन है। और इस डिफरेंट डोमेन पे मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई मुझे ऐसा नॉन में है जो उत्तराखंड का काम कर रहा हो। किसी ने गाइड किया या अपने दिमाग से ही खुद आया कि ये डोमेन है मार्केट में इस पे काम करना? ये कॉर्पोरेट में जब जॉब करते हैं तो तब थोड़ा सा हमारे आइडिया आया जी। और बहुत सारी उस समय ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे मल्टीलिंगुअल लोगों की ज़रूरत है या बायलिंगुअल लोगों की ज़रूरत है, तो फिर आइडिया आया कि ये एक बहुत बड़ी स्किल्स है
तो कोई भी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे, लेट से इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है विच यूज फॉर कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इट हैज कैटेगरीज, हाउ वी कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सराउंडिंग, थॉट प्रोसेस, हायरार्की, बॉडी लैंग्वेज. अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देयर इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. और हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू कल्चरल बैकग्राउंड. तो लैंग्वेज के साथ साथ कल्चरल ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो वो एक आइडिया आया. लेकिन हमारे जो भी बायलैटरल रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ होते हैं, उस पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू कल्चरल बैकग्राउंड. लेट से अगर हम जापानीज नेटिव से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर हम लैंग्वेज के साथ साथ कल्चरल कम्युनिकेशन करेंगे या कल्चरल एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है. तो लैंग्वेज के साथ कल्चर इज इम्पोर्टेंट. काफ़ी कुछ अभी हमें पूछना है संजीव जी से. और क्योंकि गांव से पढ़कर आना, वाकई में व्यवसाय करना, वो भी इस टाइप का व्यवसाय, एक अलग लेवल का मुकाम हासिल किया है संजीव जी ने अपने जीवन में. और प्रेरणा स्रोत हैं वो कई उत्तराखंड वासियों के लिए, या पूरे देश के लोगों की मैं बात करूं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें ठीक से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है हमारी, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे अच्छी जॉब पाएं. वो सब गुण जो है एक वो आदमी सिखा रहा है जिसने खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है. और कोई इतनी अच्छी इंग्लिश उनकी नहीं थी, लेकिन आज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. ये वाकई में बड़ी बात है. आइए संजीव जी, कुछ और चर्चाएँ आपके साथ करते हैं. संजीव जी, आपके इस इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, लैग्मा इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस है. मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, काफ़ी फेमस है. कहाँ कहाँ, मतलब आप जो है बच्चों को, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, तो किस तरीके से आप कंपनीज को अप्रोच करते हैं और कहाँ कहाँ अभी तक आपने लोगों को ट्रेन किया है? सबसे पहले तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चलती है, हम इंस्टीट्यूशन को ट्रेन करते हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे हम, अगर उन पे टीचर नहीं होते तो हमारे टीचर जाते हैं और वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. हम कॉरपोरेट को भी ट्रेन करते हैं, कॉरपोरेट, बहुत सारे कॉरपोरेट है, उनको अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में, तो उनको ट्रेन करते हैं. तो ये हम रिक्वायरमेंट करते हैं. मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंपनियों ने आपको अप्रिसिएशन दिया है. हाँ. यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ. इसमें आप कुछ टॉप 5 कंपनीज के नाम हमें बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं ये तो... बहुत सारे, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये यूएई एम्बेसी है, तो उनके डिप्लोमेट को हमने ट्रेन किया. ये आर्म फोर्सेस के लोगों को ट्रेन किया है, इंडियन आर्म फोर्सेस के. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज है जी, इनके यहाँ ट्रेनिंग हुई है जी. सैमसंग में देख रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई है, सीबीएसई को, ये एम्बेसी ऑफ बिनेन है, उनके एम्प्लॉय को ट्रेन, उनके जो एम्बेसी में बच्चे होते हैं उनको ट्रेन किया है. सो दीज ऑल आर द टेस्टिमोनियल, जो ट्रेनिंग के बाद ये इंस्टीट्यूशन हमारे लिए लिखते हैं कि उनका फीडबैक कैसा रहा है. तो ये उनका लेटर हेड पे वो हमें एक फीडबैक देते हैं. संजीव जी, मैं बात करूं अगर लैंग्वेजेस की, 50 के अराउंड आप लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं. मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ किन किन कंट्रीज में अगर मैं खुद को ये यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल किस कंट्री के बारे में प्रेफर करेंगे कि आप ये लैंग्वेज सीखिए, और एज आईटी बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो कहाँ आप मुझे प्रेफर करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी. जब भी हम किसी को देखिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने करियर को चूज करता है, और ख़ासकर एक लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स जो है वो किसी कंट्री की लैंग्वेज आना है, और उस पर ये भी देखना होता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसे हैं. लाइक हमारे इंडिया के साथ जापान के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, कोरिया के साथ हमारे बहुत अच्छे हैं,
जर्मनी है, उनके साथ बहुत अच्छे, तो हमें ये देखना पड़ता है, रशिया के साथ हमारे हैं, तो हम मैक्सिमम जो हमारे रिलेशन है वो चाहे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है टू टिल करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारे बायलैटरल रिलेशन कैसे होते हैं तो उसके हिसाब से हम काउंसिल करते हैं। ओके और बाकी लोग जो सीखते हैं लैंग्वेज, ये तो एक करियर काउंसलिंग की बात होती है, कई लोग की अपनी अपनी नीड भी होती है, कोई नीदरलैंड जा रहा है तो वो उनकी अपनी हाँ, तो वो उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये इंटरनेशनल एक्रीडेशन होती है उस पर सर्टिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लैंग्वेज के साथ साथ सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दीज आर द एक्रीडेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम डच पढ़ा रहे हैं जी, तो वी आर द एक्रीडेटेड सेंटर, कोरियन पढ़ा रहे हैं वी आर द एक्रीडेटेड सेंटर, इटालियन अगर आप देखोगे, रशियन आप देखोगे, तो ये बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल एक्रीडेशन है कि जो सिर्फ इंडिया में हमारे पास ही है, लैगमा के पास। जी जी जी, तो दीज आर द इंटरनेशनल। अगर मैं कंट्रीज की बात करूँ, काफ़ी कंट्रीज के तो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं सर्टिफिकेट, लेकिन मैं अगर इस तरीके से बात करूँ कि एक नॉर्मल परिवार का आदमी जिसको 12th पास है, हाँ जी, उसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हाँ, वो कहाँ आप उसको सजेस्ट दोगे कि आप ये लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, तो इस फील्ड में, मैं 12th पास की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे कंट्रीज का एक्रीडिटेशन है, लेकिन सजेशन कहाँ होगा, क्योंकि वो गरीब परिवार से भी है, उसके पास इतनी ज़्यादा फीस देने के लिए भी नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे सजेस्ट करें? उसके लिए अभी जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, लेट्स से जर्मनी में बहुत रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की, तो 12th के हमारे पास भी ऐसे प्रोग्राम हैं आफ्टर 12th कि बच्चे जाएंगे जर्मनी और कोर्स के साथ साथ उन्हें स्टाइफंड भी मिलेगा वहाँ पे। ओके, मतलब नौकरी के साथ साथ वहाँ छोटा मोटा काम करते रहेंगे या वो जॉब के साथ साथ उनके 12th के बाद 3.5 साल का कोर्स होगा। ओके, 3.5 साल के कोर्स में पर मंथ उन्हें स्टाइफंड भी मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस 20 आवर्स उन्हें एक्स्ट्रा काम वो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि एक 12th का बच्चा वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपये वो पर मंथ कमा लेगा आफ्टर 12th कोर्स के साथ साथ, बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे हेल्थ केयर पे जा सकता है, आईटी के कोर्स के लिए जा सकता है, होटल मैनेजमेंट के लिए जा सकता है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जर्मनी में पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी करेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत सारे जैसे एम्बेसी हैं उनके डेलीगेट्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, और हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या कौन सी कंट्री में हमारे इंडियंस को मिले, तो ये हमारा लगातार मीटिंग्स और चलता रहता है। काफ़ी फोटोग्राफ्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी कंट्री के लोग भी दिख रहे हैं, अगर मैं इन फोटोग्राफ्स की बात करूँ तो मेनली जो मुझे इसमें सबसे बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, शायद दुबई पुलिस को आपने ट्रेनिंग दिया था, दुबई पुलिस दुबई मिलिट्री अटैचे को हमने ट्रेन किया। जी जी जी, बाकी इसमें और किस किस कंट्री के जो है लोग हैं? और जी जी, तो ये अभी लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज किस कंट्री में हो, उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है एम्बेसी, तो एम्बेसी के लोगों से हमारी मीटिंग होती है। अभी जैसे ऑस्ट्रियन एम्बेसी में मेरी मीटिंग हुई, वहाँ पे मैंने देखा कि और क्या एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन है इंडियंस के लिए, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में जी। इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज, तो अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, जैसे जर्मनी में है और जर्मनी से बिल्कुल पास है ऑस्ट्रिया, इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अलग अलग जो काउंटर पार्ट होते हैं, चाहे रशियन काउंटर पार्ट होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे मेडिकल फील्ड के लिए लोग जाते हैं एमबीबीएस के लिए, तो बेटर डेस्टिनेशन है वो मेडिकल स्टडी इज रशिया, तो उन चीज़ों पे हम बात करते हैं। कोरिया में क्या एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमारी मीटिंग्स होती है। तो ये मीटिंग्स हमारा मतलब हम सोर्स देखते हैं कि मेन हमें देखना होता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और हु इज़ द राइट पर्सन
कि जो हमें भी राइट डायरेक्ट वो गाइडेंस दे कि दीज आर द एरिया जहाँ पे हमें काम करना है और यहाँ पे ट्रेन करके उन्हें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिले। संजीव जी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछूंगा। यहाँ पर मैं फीस की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। अगर कोई गरीब घर से आता है और उसके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं? मैं अगर इकोनॉमिकल किसी की कंडीशन अप टू द मार्क नहीं है तो BPL कार्ड हमें दिखाएं। ओके, तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि BPL कार्ड अगर कोई होल्डर है तो आपको मालूम है कि पहाड़ी है तो जी, 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 वो चीजें होता ही है, हमारा रहता है कि भी BPL कार्ड है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हम उन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट करते हैं, स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए कि स्ट्रगल में स्ट्रगल जो कर रहा है उसका सपोर्ट करने में, क्योंकि आपने आपको खुद काफी स्ट्रगल किया है, आप सबसे ज्यादा खुशी होती है। जी जी जी, आप कुछ समझ सकते हैं इस बात को। इनफैक्ट मैं ये भी बोलता हूँ, डिजर्विंग अगर लोग हैं डेफिनेटली हम जो भी अपना बेस्ट होगा हम उस कैंडिडेट के लिए करेंगे जो भी बेस्ट होगा। तो आज मैं था लैगमा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, और हमारे साथ थे संजीव रावत जी, जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो पहाड़ से शुरू करी और उसके बाद जो है आज दिल्ली में जो है काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं अलग अलग कंट्री की लैंग्वेजेस की, और अभी भी जो है काफ़ी बड़े लेवल पर वो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं धीमे धीमे, और हम भी चाहेंगे कि हमारे संजीव भाई खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी जी। सो वी हैव आल्सो लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ओके, सो वी आर द ऑथराइज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वी कैन रिक्रूट पीपल फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ओके, मतलब जो है आपके पास एक लाइसेंस है जिसके हमारे जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, यस, उन्होंने एक ऐसा लाइसेंस दिया है जिससे दूसरी कंट्री में ये किसी को अगर रिक्वायरमेंट है, किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, तो ये यहाँ से भेज सकते हैं एज ए रिक्रूटमेंट कंपनी के तौर पे जो है यहाँ से भेज सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये जो है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि कुछ कम खर्चे में, या मैं कहूँ कि कम समय में बाहर जॉब पाना। मुझे तो लगता है कि हर कोई चाहता है कि एक बार तो लाइफ में जो है बाहर जरूर जाएं, लेकिन अगर आप कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जॉब करें, तो डेफिनेटली अगर उस कंट्री की लैंग्वेज अगर आपको आती है, इंडिया में भी अगर जॉब की प्रेफरेंस दी जाती है तो ज़्यादातर हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी जिसको आती है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसी बाहर कंट्रीज में मैं बात करूँ तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो यही काम हमारे संजीव जी कर रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चों को यहाँ से ट्रेनिंग देके ज़्यादा बच्चों को जो है बाहर अपॉर्चुनिटी दी जाए, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे वो अपने करियर में और भी अच्छा एक मुकाम पा सकें और एक अच्छा करियर उनका बन सके। तो आज मैं था लैगमा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जो दिल्ली में है, और मेरे साथ है संजीव रावत जी जो बिलोंग तो उत्तराखंड से करते हैं लेकिन आज पूरे देश के बच्चों को वर्ल्ड की जो है लगभग 50 कंट्रीज की लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, और उनको उनके कैरियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम प्रयास करेंगे ऐसे ही लोगों की कुछ वीडियोज आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से छोटे घर में पैदा होने के बाद भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखते रहेगा आप मेरा चैनल पहाड़ों का राई। जय भारत, जय उत्तराखंड।